पाटन, किसानों एवं कृषि कार्य को नजरअंदाज किया तो भुगतने होंगे परिणाम। उक्त बातें पाटन छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी ने आज प्रखंड परिसर पाटन में कही। वे किसानों के लिए केसीसी निर्माण हेतु हाइट्स एक दिवसीय शिविर में उपस्थित किसानों को संबोधित कर रही थी। महामारी के मद्देनजर पलामू के उपायुक्त द्वारा प्रखंड परिसर में केसीसी का निर्माण को लेकर विशेष शिविर के आयोजन किए जाने पर विधायक पुष्पा देवी ने उनके कदम को सराहनीय बताया। साथ ही कहा कि महामारी के कारण सबसे ज्यादा परेशान किसान एवं कृषि कार्य से जुड़े लोग हैं। कृषि को पुनः पटरी पर लाने के लिए तथा ऋण समझौते के तहत पुराने दिनों को विशेष छूट देकर ऋण मुक्त करने एवं जरूरतमंदों को फ्री केसीसी का लाभ देने पर बल दिया। इस अवसर पर पाटन पश्चिमी जिला परिषद सदस्य मुक्तेश्वर पांडे ने प्रखंड स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती को एवं रिक्त पदों को धरने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड मुख्यालय पर शीत गृह नहीं होने से आलू प्याज जैसे किसानों के ऊपर उन्हें अपने भाव में बिक जाते हैं तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें उसी उपज को ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता है। इस अवसर पर पाटन प्रखंड प्रमुख पुष्पा देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा तथा अंचलाधिकारी विमल सोरेन ने भी उपस्थित किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बीज वितरण का कार्य भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर पलामू के पूर्व सांसद मनोज कुमार ने कहा कि किसानों एवं क्षेत्र के जनता के लिए उनका दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वो किसी भी समय उन्हें फोन कर सकते हैं या सीधे आकर अब अपनी समस्या का निराकरण कराने में मदद ले सकते हैं। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर सुनील लुगुन एवं भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक भी थे। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड। पाटन प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय खामही में मनाया गया संविधान दिवस। के अवसर पर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय खामही में बच्चों को भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताते हुए युवा समाज सेवी एवं जिला दिव्यांग विद्यालय के शिक्षक विश्व दिव्यमान दुबे, उन्होंने इस मौके पर बच्चों को संविधान के बारे में बताया। देश की सेवा करना तथा संविधान को अपने जीवन में कैसे पालन करना है इसके बारे में बताया। संविधान दिवस पर हमें अपने अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के संविधान के महत्व को समझ सके, जिससे कि वो इसका सम्मान तथा पालन करें। इसके साथ ही ये हमें वर्तमान से जोड़ने का कार्य करता है। जब लोग जनतंत्र का महत्व दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं, यही वो तरीका है जिसे अपनाकर हम अपने देश के संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सकते हैं और लोगों में उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बच्चों को बीच में टॉफी एवं बिस्किट बांटे। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापिका प्रतिभा देवी, शिक्षक संतोष कुमार दुबे, समाज सेवी छोटू राज दुबे, वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति भी उपस्थित रहे। आप सीधे सब कैसे कर लीजिए, बोलिए, हम भारत के लोग, भारत को एक, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सुंदरता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब ने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने ही संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 छ विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत माता की वंदे। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, पलामू।
झारखंड क्रांति मंच का प्रथम स्थापना दिवस व संविधान दिवस संपन्न। आज झारखंड क्रांति मंच के प्रथम स्थापना दिवस व संविधान दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन मंच के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु की अध्यक्षता में नागलोक उत्सव भवन शांतिपुरी मेदिनी नगर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंच के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु के नेतृत्व में टाउन थाना के बगल में अम्बेडकर पार्क स्थित भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर केंद्रीय कमेटी व जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर संविधान बचाने की शपथ ली। इसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन झारखंड क्रांति अधिवक्ता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार व जिलाध्यक्ष विजय राम ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा साहेब समेत सभी बहुजन महापुरुषों के तस्वीर पर माल्यार्पण से हुआ। स्थापना दिवस व संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान व उसके क्रियान्वयन की चुनौतियां विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी का विषय प्रवेश कराते हुए एड धीरेन्द्र कुमार ने संविधान के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष गिरिजा प्रसाद विश्वकर्मा, राम नरेश राम, केंद्रीय महासचिव विश्वनाथ राम, सदीक अंसारी, अवधेश राम, केंद्रीय संयुक्त सचिव युगल किशोर राम, केंद्रीय प्रवक्ता अशरफी राम, केंद्रीय सचिव निर्मला कुमारी, स्वागताध्यक्ष कलीम अंसारी, पलामू जिला महासचिव निशिकांत माले के वरिष्ठ नेता नंदलाल सिंह, SC/ST पिछड़ा वर्ग व माइनॉरिटी एकता मंच के रवि पाल व पाटन प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुमार उरांव ने उक्त विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए मोदी राज में संविधान को खतरे में बताते हुए बचाने की शपथ ली। वक्ताओं ने पिछले वर्ष 26 नवंबर 2019 को संघर्षों के लिए गठित झारखंड क्रांति मंच के साल भर के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए अब तक किए गए आंदोलनों व सांगठनिक गतिविधियों पर संतोष प्रकट करते हुए इसकी मजबूती पर बल दिया व शीघ्र ही कार्यालय खोलने की मांग की। इस अवसर पर पास किए गए प्रस्ताव में मेदिनी नगर निगम समेत संपूर्ण जिले में व्याप्त समस्याओं के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग महासंघ के जटाधारी प्रजापति, जंगाली महतो, हुल झारखंड क्रांति दल के राजेंद्र राम, राम लखन महतो, निरंजन महतो आदि लोगों ने मंच के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए आंदोलन की बात कही। अध्यक्षीय संबोधन में मंच के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने मंच के पिछले साल भर के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए पलामू के अलावा संपूर्ण राज्य में इसकी मजबूती का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि उताकी में पत्थर माफिया व छतरपुर में जल, जंगल, जमीन व खान खनिजों को बचाने की लड़ाई और तेज की जाएगी। बस भाड़ा वृद्धि के अलावा जनता से जुड़े सभी सवालों पर लड़ना मंच की प्राथमिकता है। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड।